सभी को मेरा वंदे मातरम। हम देख रहे थे प्रतिष्ठा जगत में प्रचलन। तो प्रतिष्ठा जगत के जो जीव होते हैं, जिसको प्रतिष्ठ जीव कहा जाता है, तो उनमें प्रचलन के लिए एक विशिष्ट अंग पाया जाता है। तो इसमें पहला है सिलिया। सिलिया को हिंदी में पक्षम बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखा था पैरामीशियम, कि पैरामीशियम में क्या होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं करके। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिष्ठ जीव होते हैं, जिनको प्रतिष्ठा जगत में रखा गया है, उनके शरीर पर बाहरी सतह पर पतली रोम, है ना, रोम के समान संरचना पाई जाती है। तो जैसे कि पैरामीशियम का जो बाहरी लेयर होता है उसके बॉडी का, उसके चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सी संख्या में रोम पाए जाते हैं, जिसको सीलिया कहा जाता है। सीलिया जो है वह साइटोप्लाज्म का बेसल बॉडी से निकलता है। शरीर के अंदर में क्या भरे होते हैं, कोशिका के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है। तो इसी जीव द्रव्य का जो आधार होता है, यहीं से सीलिया निकले होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि सीलिया में दो प्रकार की गति होती है, एक बार पावर स्ट्रोक होता है और एक बार रिकवरी स्ट्रोक होता है। इसमें विपरीत गति होती है। जीव अगर इधर बढ़ रहा है तो सीलिया की गति क्या होगी, जस्ट उसके विपरीत, और इसमें फिर से उस स्थिति में वापस आने के लिए रिकवर स्ट्रोक होता है। तो इस प्रकार देखा था कि पैरामीशियम में किस प्रकार से प्रचलन होता है करके। अब हम दूसरा प्रचलन अंग देखते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, इसको हिंदी में कशाभिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कशाभिका कहा जाता है। ये जो कशाभिका है वह क्या होती है, एक लंबी संरचना होती है। जिस प्रकार से सिलिया की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, लेकिन ये लंबाई में छोटे होते हैं, लेकिन जो फ्लैजिला होता है वह संख्या में कम होते हैं सिलिया से, और इनकी लंबाई अधिक होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जीवों के शरीर पर तंतुवत अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं। जीवों के शरीर में जो फ्लैजिला है वह कैसी होती है, तो तंतुवत अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं। अतिवृद्धियाँ पाई जाती है, मतलब जो फ्लैजिला है वह एक तंतुवत संरचना होती है। ये क्या होते हैं, सिलिया से संख्या में कम और लंबाई में अधिक होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि संख्या में कम, मतलब ये जो कशाभिकाएँ होती हैं वह जीवों में एक या दो की संख्या में पाई जाती है, लेकिन जो सिलिया है वो क्या होते हैं, लाखों की संख्या में प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो संख्या में कम व लंबाई में अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, यह फ्लैजिला है, जो संख्या में कम और लंबाई में अधिक होता है। फ्लैजिला जो है वह भी साइटोप्लाज्म में स्थित बेसल ग्रैन्यूल से निकलती है। फ्लैजिला कहाँ से निकलती है, साइटोप्लाज्म के बेसल ग्रैन्यूल्स से निकलती है। अब आगे देखते हैं कि जो फ्लैजिला होता है, तो जब उसमें गति होती है, तो जब गति होती है तो उसमें आधार से, है ना, तो हम इस संरचना में देख सकते हैं कि ये क्या है, युगलीना है। युगलीना में क्या होता है, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। तो ये फ्लैजिला या तो एक संख्या में होते हैं या कई जीवों में दो हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं, तो जब इनमें क्या होगा, गति के लिए, तो ये क्या है, उसका आधार है। तो यहीं से क्या होता है, एक तरंग उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्लैजिला में आधार से शीर्ष की ओर एक तरंग उत्पन्न होता है।
है ना, फ्लैजिला में जब गति करना होता है तो यहाँ से क्या होता है, एक तरंग उत्पन्न होता है जिसके थ्रू फ्लैजिला क्या होते हैं, पहले तो नीचे आते हैं, नीचे आने के पश्चात ये जो उनका बॉडी रहता है युग्लिना का वो आगे खसकता है, फिर ये अपने फ्लैजिला को शिथिल कर देते हैं, फिर वो एक तरंग उत्पन्न करते हैं जिससे उनका फ्लैजिला क्या होता है, नीचे आता है, फिर इनकी बॉडी आगे बढ़ती है। तो इस तरीका से इनमें गति होता है, तो इनमें क्या होता है, विपरीत गति होता है, विपरीत गति। फ्लैजिला क्या होगा, नीचे आएगा, है ना, यानी कि जैसे कि ये युग्लिना है तो इनका जो फ्लैजिला है वो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, इनमें क्या होगा, फ्लैजिला क्या होगा, सबसे पहले जब इनमें तरंग उत्पन्न होता है तो वह क्या होती है, ऐसे नीचे की ओर गति करते हैं, तो ये जो बॉडी रहता है वो क्या करता है, आगे की ओर खसकता है, खसकने के पश्चात क्या होता है, फिर से ये जो फ्लैजिला है वह क्या हो जाते हैं, शिथिल होकर सीधे हो जाते हैं, फिर उनमें विपरीत गति होती है, मतलब नीचे की ओर आते हैं फिर बॉडी आगे बढ़ता है, तो इस तरीका से उनमें गति होती है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, युग्लिना, है ना, फ्लैजिला का एग्जाम्पल है युग्लिना, सिलिया का एग्जाम्पल था पैरामिशियम, उसी तरीका से फ्लैजिला किस में पाया जाता है, तो युग्लिना में पाया जाता है। तो इनमें जैसे कि अगर एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्या है, युग्लिना है, तो इनमें जो फ्लैजिला होता है वह इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। अब हम अगला प्रचलन अंग देखेंगे, स्यूडोपोडिया। अब अगला हम प्रचलन अंग देखेंगे प्रोटिस्टा जीवों में, स्यूडोपोडिया, इसको हिंदी में कूटपाद कहा जाता है, उत्पाद भी कहा जाता है और झूठे पैर भी कहा जाता है, झूठे पैर, इसलिए इनको कूटपाद और झूठे पैर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई अंग नहीं होता है, है ना, ये कोई प्रचलन अंग नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसका, सबसे पहले तो इसका आप एग्जांपल देख लीजिए कि स्यूडोपोडिया जो है वह अमीबा में पाया जाता है, तो अमीबा क्या होते हैं, किसी भी आकार में पाए जाते हैं, इस तरीका से, जैसे कि ये क्या है, अमीबा है, तो अमीबा क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इनके शरीर पर जो जीव द्रव्य भरे होते हैं वो क्या करते हैं, आगे की ओर खसकते हैं, तो आगे की ओर खसकते हैं तो उनकी बॉडी भी क्या हो जाती है, उसी आकार में इस तरीका से बन जाते हैं, तो ये क्या हो गए, उनके स्यूडोपोडिया हो गए, है ना। तो ये जो उनके जो शरीर है उसमें क्या होता है, उभार उत्पन्न होता है, स्यूडोपोडिया, ये जो उभार दिखाई दे रहा है इसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये कोई आर्गन नहीं है प्रचलन अंग का, है ना, तो ये क्या होते हैं, बनते और मिटते रहते हैं, इसीलिए इनको कूटपाद या झूठे पैर कहा जाता है। अब ये इनके सहारे आगे बढ़ेंगे और फिर से इनमें कुछ भी आकृति फिर से निर्मित हो जाती है, फिर इनको अगर इधर जाना है तो इधर उनका जो जीव द्रव्य है वो उधर बह जाएगा और उनका बॉडी का आकार उधरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो जीव होते हैं, है ना, अमीबा में उंगली के समान उभार प्रचलन अंग का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमीबा में, है ना, उंगलियों के समान उभार प्रचलन के लिए बनते हैं। ये जो उभार बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, प्रचलन के लिए बन रहा है। तो इन उभारों को क्या कहा जाता है, कूटपाद कहा जाता है, कूटपाद कहा जाता है। कूटपाद बनने पर जो सेल होता है उसका जो साइटोप्लाज्म रहता है वह इन उभारों में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं और बॉडी उसी तरफ चले जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कूटपाद बनने पर सेल का जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म उसी तरफ बह जाता है। और जीव का शरीर या अमीबा का शरीर उसी ओर चले जाते हैं।
तो अमीबा को जिस भी तरफ जाना है उसके साइटोप्लाज्म उधरी क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, और बहने की वजह से जो उनके अंग होते हैं, मतलब अंग नहीं, इनका जो सेल होता है वह उसी ओर मूव कर जाते हैं और उनकी बॉडी उसी ओर चलने लगती है। तो इसका इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। तो ये क्या है, साइटोपोडिया है। तो इस तरीके से प्रोटिस्टा जीवों में तीन प्रकार के प्रचलन अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला था सिलिया, सिलिया का उदाहरण है पैरामिशम। दूसरा था फ्लैजिला, इसमें युगलिना आते हैं। और तीसरा था स्यूडोपोडिया, जिसको कूटपाद या झूठे पैर कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल है अमीबा। अब हम इसके महत्व देख लेते हैं। तो जो प्रचलन अंग का महत्व क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, इसका महत्व कैसे लिख सकते हैं हम। यदि किसी जीवों में प्रचलन अंग नहीं पाया जाएगा तो वो क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ है ना पहुंच नहीं पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लिख लेते हैं कि संयुग्मन के समय जीवों को पास आने में सहायता करती है। है ना, जो प्रचलन अंग होते हैं वो क्या करते हैं, दो विपरीत जीवों को पास आने में सहायता करते हैं। अब जैसे अमीबा में ही साइटोपोडिया नहीं बनेगा तो अमीबा एक जगह स्थिर हो जाएगी, और स्थिर होगी तो वो क्या होंगे, संयुग्मन नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी जो पीढ़ी है वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा लिख सकते हैं कि जीव अपने आवास है ना, भोजन, जल इत्यादि को, इत्यादि की खोज कर सकते हैं। तो प्रचलन अंग से ही जीव अपने आवास, भोजन, जल इत्यादि की क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। अब जैसे कि यदि कोई जीव के पास प्रचलन अंग नहीं होगा तो वह क्या करेगा, अपने लिए कोई भी आवास नहीं बना पाएगा या कोई भी आवास खोज नहीं पाएगा। भोजन के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जो प्रचलन अंग है वह आवास, भोजन और जल के लिए खोज करने का कार्य करता है। फिर यदि प्रचलन अंग नहीं होंगे तो जीव अपने आप अपने शरीर की है ना शत्रुओं से सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है कि प्रचलन से जीव अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस तरीका से प्रचलन अंग क्या है, जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसकी प्रचलन अंग से ही जीव अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो यहाँ तक था प्रोटिस्ट जीवों में प्रचलन।